देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने मेटलॉइड्स तक बात करी थी। इस वीडियो में हम कंपाउंड्स हमेशा और उनके टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे, ठीक है। देखिए कंपाउंड कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस विच इज ड्यू टू द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोर एलिमेंट इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास, ठीक है। तो कंपाउंड क्या होता है बेटा, जब आपके दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट हैं उनको जब डेफिनेटली प्रोपोर्शन में आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं तो आपका क्या बनता है, कंपाउंड। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज एंड दे कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मीन्स। देखिए बेटा कि आपके जो कंपाउंड होते हैं उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो आप किसी भी तरीके से उनको सेपरेट नहीं कर सकते हो। उनको सेपरेट करने के लिए कोई ना कोई आपको केमिकल मेथड ही अपनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर आपका H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब ये आपके 1:8 के प्रोपोर्शन में आपके केमिकली कम्बाइंड होंगे तो आपका क्या बनेगा, वाटर बनेगा। मैंने कहा मास का प्रोपोर्शन, ठीक है, इसीलिए मैं इसका 1:8 ले रही हूँ, ठीक है। और जब ये आपस में केमिकली कंबाइंड होंगे बेटा, सिर्फ और सिर्फ केमिकल मेथड के थ्रू आप हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अलग कर सकते हो, अदरवाइज वो अलग नहीं होंगे, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट जो आ रहा है इज योर मिक्सचर। व्हाट इज मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है बेटा। देखिए अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंसेस। उसमें आपके एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं और बोथ भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा बेटा, ये आपके फिजिकली मिक्स होंगे, केमिकली आपस में कंबाइंड नहीं होंगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, मिलते हुए, ठीक है। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर इन देयर प्रॉपर्टी, ठीक है। मिक्सचर के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए बेटा मैंने आयरन की फिलिंग्स ले ली, सल्फर का पाउडर ले लिया, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, ठीक है। तो जो दोनों को मिक्स करने पे जो मेरा जो बना है वो आपका क्या है, मिक्सचर है। इसमें आयरन की फिलिंग्स और सल्फर ये दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टीज शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस मिक्सचर में अगर मैं मेरी मैग्नेट को इसके पास लेके आती हूँ तो आयरन की जो फिलिंग्स होंगी बेटा वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्लियर है। तो ये होता है आपका मिक्सचर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए कि अगर मैं आयरन की फिलिंग्स को और शुगर को मिक्स करती हूँ बेटा, तो उसमें आप क्या देखते हो, शुगर जो है वो वाटर में डिजोल्वेबल होती है, आयरन आपका वाटर में डिजोल्वेबल नहीं होता है, चाहे वो आप पाउडर फॉर्म लो चाहे आपके ग्रैनुअल्स फॉर्म लो, क्लियर। और दूसरा अगर मैं उसमें मैग्नेट डाल देती हूँ तो आयरन की जो फिलिंग्स होगी वो मैग्नेट के ऊपर स्टिक कर जाएंगी, जबकि आपकी जो शुगर है वो मैग्नेट से स्टिक नहीं करेगी। इस तरीके से आप क्या देख रहे हो, बना तो मिक्सचर था लेकिन शुगर एंड आयरन दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं मिक्सचर के वो आपस में केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, ठीक है। और मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करके रखते हैं, क्लियर। अब देखिए सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल है बेटा शुगर एंड वाटर का, दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ये देखो फिजिकली मिक्स हुए हैं। अगर आप इसमें इवेपोरेशन की प्रोसेस करते हो या इसमें इवेपोरेशन होता है तो वाटर क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, शुगर आपकी वहीं रह जाएगी। सेम आपका एग्जाम्पल है मडी वाटर का, क्लियर। आगे देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बेटा वो है आपका एलिमेंट कंपाउंड, एलिमेंट एंड सॉरी मिक्सचर के, आई एम रियली सॉरी बेटा, मिक्सचर के टाइप्स आ रहे हैं जिसमें आपका होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। अब देखिए लाइन क्या कह रही है बेटा, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर द सब्सटेंस इन द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मेटल, ठीक है। चाहे आप वो एलिमेंट की बात करो चाहे आप किसी कंपाउंड की बात करो, अगर आप कंप्लीटली मिक्सचर में आप बात करते हो जो उसमें जो उसका जो कंपोजिशन होता है बेटा वो यूनिफॉर्मली मिक्सड रहता है, ठीक है। चाहे मैं कितना भी आप मैटर ले लीजिए उसमें यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसीलिए इनको आप क्या बोलते हो, होमोजीनियस, इनको हम क्या बोल सकते हैं, होमोजीनियस। फॉर एग्जांपल देखिए बेटा बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं, इमेजिन कीजिए गोल्ड की बात करते हैं। जब गोल्ड में आप जितने भी आपके एटम्स को देखते हो सारे में देखते हो ना, इवनली आपके स्प्रेडेड फॉर्म में रहते हैं, यस, वो आपका क्या है, एलिमेंट है। वहीं आप अगर वाटर की बात करो, वाटर में जितने भी पार्टिकल्स आप देखते हो सारे में वाटर अगर आप देखते हो तो उसमें वाटर क्या रहता है, यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड रहता है, चाहे आप कितना भी पानी ले लो, ठीक है। तो वो क्या है आपका,
कंपाउंड। और आपने क्या देखा है, जो आपके कंपाउंड हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड रहते हैं, ठीक है, इसीलिए वो आपके कैसे होते हैं, होमोजीनियस, ठीक है। अब देखिए, हाउएवर द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर सच दैट द प्रोपोर्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मे और मे नॉट बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मैटर, ठीक है। देखिए बेटा, वो तो क्या है, इमेजिन कीजिए आपने कोई भी सब्सटेंस लिया, ठीक है, जब आप उसके कंपोजिशन की बात करते हो तो वो यूनिफॉर्मली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, होगा तो यूनिफॉर्म, नहीं होगा तो नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और हेटरोजीनियस, ठीक है। अब देखिए, हेंस अ मिक्सचर बी ईदर होमोजीनियस और हेटरोजीनियस, ठीक है, डिपेंड कर रहा है बेटा कि जो उसका कंपोजिशन है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, होगा होमोजीनियस, नहीं होगा हेट्रोजीनियस, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं जो आप घर में देखते भी बेटा, आपने देखा होगा ना, मम्मी वाइट कलर के क्लॉथ्स में उजाला डालती है या नील डालती है ना, तो उसमें आप क्या देखते हो बेटा कि आप मम्मा पानी लेती हैं, उसमें थोड़ा कलर डालती है, पर्पल कलर का सा कलर होता है, और वो आपको डालती है तो थोड़ी देर में क्या देखते हो, मिक्स हो गया। अब आप उसमें देखते हो तो क्या होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यस। तो इस टाइप का जो मिक्सचर है, अच्छा एक बात बताओ कि जब आप उसको देखते हो तो क्या पर्पल कलर को जो आपका उजाला मम्मी ने डाला है वो, और जो आपका वाटर है, क्या वो अलग अलग दिखाई देते हैं, नहीं, इवनली मिक्स दिखाई देते हैं, ठीक है। वहीं मैंने पानी लिया और पानी में थोड़ी सी मिट्टी डाल दी या फिर उसमें थोड़ा ऑयल डाल दिया, तो आप क्या देखते हो, मिट्टी या ऑयल आपका बिल्कुल अलग अलग दिखाई देगा, क्या वो पानी में इवनली अच्छे से मिक्स हो गया, नहीं, नहीं हुआ ना मिक्स। तो इसीलिए इस टाइप का जो मिक्सचर रहता है उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्लियर, ठीक है। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि वाटर में आपने सल्फर डाल दिया, सल्फर आपका वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, तो वो क्या बनाएगा, आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अगर आपका यूनिफॉर्मली एक समान रूप से फैल जाए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्लियर। देखिए सम कॉमन एग्जांपल मिक्सचर्स आर गिवन, लो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे आपने मिल्क में बात करी तो उसमें प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सारे क्या होते हैं, आपस में मिक्स रहते हैं। सी सॉल्ट में आपको लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर मिक्स रहते हैं। सूप में बात करें ना, उसमें एयर एंड कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं वो अलग डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। उसी तरीके से आपके कुकिंग गैस में प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह जो आपके मिक्स रहते हैं। एयर में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, पर ये सारे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। मिक्सचर ऑफ टू और मोर सॉलिड्स आर जनरली हेट्रोजीनियस, व्हाइल द मिक्सचर ऑफ टू और मोर गैसेस आर ऑलवेज होमोजीनियस। का मतलब क्या है बेटा, कि जब आपके सॉलिड सॉलिड को आपस में मिक्स किया जाता है तो यूजुअली वो आपके कैसे रहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहते हैं, ठीक है। और अगर आपके गैस गैस को मिक्स किया जाए, यूजुअली वो आपके होमोजीनियस मिक्सचर रहते हैं, ठीक है। और जब कभी भी आप टू लिक्विड्स को मिक्स करते हो बेटा, तो आपके होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंड कर रहा है कि आपके लिक्विड हैं कैसे, मींस मिसेबल होंगे तो होमोजीनियस हो सकता है, इमिसेबल होंगे हेट्रोजीनियस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने वाटर में अल्कोहल को डाला और हनी को डाला, तो वो क्या हो जाएंगे, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, मिसेबल लिक्विड्स हैं, इसीलिए वो बनाएंगे आपके होमोजीनियस मिक्सचर। वहीं आपका ऑयल एंड वाटर अगर आपने ले लिया तो वो बनाएंगे आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्लियर। डिपेंड कर रहा है आपकी मिसेबिलिटी एंड इमिसेबिलिटी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप देखते हैं कंपाउंड मिक्सचर में डिफरेंस क्या होता है। देखिए बेटा, हमने कंपाउंड में भी यही देखा कि दो आपके एलिमेंट्स मिले होते हैं, ठीक है, और मिक्सचर में भी हमने देखा कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपकी मिली होते हैं, या फिर आप एक या दो उसमें कंपाउंड भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है बेटा, देखो जब कभी भी आप कंपाउंड की बात करोगे वो आपस में केमिकली कंबाइंड होंगे, जबकि मिक्सचर में वो फिजिकली मिक्स होंगे, क्लियर। कंपाउंड में अगर हम बात करें बेटा, तो देखिए एलिमेंट्स डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, मींस फॉर एग्जांपल आपका वाटर है, वाटर आपके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, इसमें
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन नहीं करते हैं। वहीं आप मिक्सचर की बात करो बेटा, तो मिक्सचर में आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कंपाउंड में अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी स्प्रेडेड ओनली बाय सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। आपके जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको केमिकल मेथड से आप सेपरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, वाटर, वाटर आपका एच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को आप सिर्फ केमिकल मीन्स के थ्रू, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू आप अलग कर पा रहे हो। यूजुअली फिजिकल मेथड से आप उनको अलग नहीं कर सकते हो। जबकि आप मिक्सचर में बात करें बेटा, आपका फिजिकल मेथड से वो अलग किए जा सकते हैं। क्लियर? कंपाउंड की बात करें, हमेशा होमोजीनियस मिलेगा आपको जब मिक्सचर आपके होमोजीनियस एंड हेटरोजीनियस दोनों टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ा बेटा व्हाट आर मिक्सचर, टाइप ऑफ मिक्सचर, ठीक है, और कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस। अब देखिए बेटा, अब हम सेपरेशन ऑफ मिक्सचर की बात करेंगे। ठीक है, कि मिक्सचर को आप किस किस तरीके से सेपरेट कर सकते हो। बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा, पहले हमने मैटर के बारे में पढ़ा, ठीक है, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, ठीक है, फिर हमने मैटर के बाद हमने प्योर एंड इम्प्योर पढ़ा था, प्योर में हमने एलिमेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ा था, ठीक है, एलिमेंट के फर्दर मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने कंपाउंड के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने मोनोवेलेंट डाइवेलेंट ये मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था, फिर आपने मिक्सचर के बारे में पढ़ा, मिक्सचर में आपने देखा होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या होता है। क्लियर, कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिफरेंस पढ़ा, ये सारी चीज़ें आप अभी तक कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो आ रहा है दैट इज़ योर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। देखिए बेटा, हमने अभी देखा कि जो आपके मिक्सचर रहते हैं उसमें वन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, और ये आपके प्योर भी हो सकते हैं, इम्प्योर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस ऑफ मिक्सचर मे बी मोर देन वन एलिमेंट और कंपाउंड और बोथ एलिमेंट एंड कंपाउंड। कहने का मतलब क्या है बेटा, उनमें सिर्फ एलिमेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं, एलिमेंट कंपाउंड भी हो सकते हैं और कंपाउंड कंपाउंड भी हो सकते हैं। डिपेंड कर रहा है कि वो किस टाइप का मिक्सचर है, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ठीक है, हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। मीन्स आपका जो सब्सटेंस है जिसमें वो मिक्सचर है, जो उसमें उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम उन मिक्सचर्स को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है आपका, फर्स्ट आ रहा है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूटिंग टू सॉलिड। अगर आपके दो सॉलिड हैं और दो सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर बना हुआ है, ठीक है, उनमें आप उनको किस तरीके से अलग कर सकते हो। फर्स्ट आ रहा है बेटा, इमेजिन कीजिए कि अगर दो सॉलिड हैं उनका मिक्सचर है, उसमें एक आपका सब्लिमेबल है। मीन्स इमेजिन कीजिए उसका अच्छा चलो इसे एग्जांपल से समझते हैं कि एक हमने कॉमन सॉल्ट ले लिया, एक हमने अमोनियम क्लोराइड ले लिया। अमोनियम क्लोराइड की जगह हम उसे आयोडीन भी ले सकते थे, क्योंकि आयोडीन भी आपका सब्लिमेबल सब्सटेंस है, कॉमन सॉल्ट आपका सब्लिमेबल सब्सटेंस नहीं है। इन दोनों के मिक्सचर को हमने लिया, इन दोनों मिक्सचर को बेटा इमेजिन के जब हमने मिक्सचर को यहाँ पे रखा, और यहाँ पे रखने के बाद जब उसको हम हीटअप करेंगे ना, तो इसमें जितना भी आपका ये अमोनियम क्लोराइड होगा, वो अमोनियम क्लोराइड इवेपोरेट होके यहाँ पे इसमें डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, इधर डिपॉजिट हो जाएगा और नीचे आप सोडियम क्लोराइड है वो नीचे बच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम अमोनियम क्लोराइड और NaCl को, सोडियम क्लोराइड को, कॉमन सॉल्ट को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्या पढ़ा बेटा, कि अगर सॉलिड सॉलिड के मिक्सचर की बात कर रहे हैं, सॉलिड सॉलिड के मिक्सचर में जब आपका एक कॉन्स्टिट्यूएंट सब्लिमेबल है, ठीक है, उसमें सब्लिमेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सॉलिड सॉलिड के मिक्सचर में जब आपका एक कॉन्स्टिट्यूएंट मैग्नेटिक सब्सटेंस हो, इमेजिन कीजिए कि जैसे मैंने आपको आयरन फिलिंग और सल्फर के बारे में बताया था, ठीक है, उसमें भी हमने क्या देखा था कि जो आयरन है उसको हम मैग्नेट की हेल्प से अलग कर सकते हैं,
क्यों कर सकते हैं बेटा? क्योंकि जो आपका आयरन है वो आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है? आई थिंक समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ यू फेस एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। सेक्शन ऑफ मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूटिंग वन सॉलिड एंड वन लिक्विड। इमेजिन कीजिए अगर आपका जो मिक्सचर है उसमें एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, ठीक है? आपका जो ये इस टाइप का जो मिक्सचर होता है उसको अलग करने के लिए बेटा डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस फॉलो की जाती हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं सॉल्युबिलिटी, क्या वो सॉल्युबल है या नहीं है, जो आपका सॉलिड है वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, या किसी भी सब्सटेंस पे फ्लोट कर सरफेस पे फ्लोट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर किसी भी लिक्विड में सस्पेंड हो रहा है या सेटल डाउन हो रहा है। ये सारी जो प्रोसेस होते हैं देख के हम अलग अलग जो आपके सॉलिड होते हैं या लिक्विड होते हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए फर्स्ट क्या दे रहा है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड इन विच द सॉलिड रिमेन इन डिसॉल्व्ड स्टेट। मींस आपका जो सॉलिड है, हमने सॉलिड और लिक्विड मिक्स किया है और आपका जो सॉलिड है वो उसमें डिजोल्व हो जाता है, ठीक है? एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट एंड वाटर। जब कभी भी मैं कॉपर सल्फेट को और पानी को मिक्स करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, आपस में मिल जाएंगे, ठीक है? अब देखिए आप कॉपर सल्फेट रहता है वो नॉन वॉलेटाइल रहता है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट वेपोराइज ऑन हीटिंग। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है बेटा, कि ऐसा सब्सटेंस जिसको आप गर्म करें तो वो हीट अप नहीं होता है। इस टाइप का जो सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल, ठीक है? क्लियर? दिस टाइप ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है? इस टाइप का जो मिक्सचर होता है हम उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस होती क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, होप यू लाइक, कीप स्टडीइंग, बाय।